केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सीधे पीएम मोदी पर राजनीतिक हमला किया। पीएम मोदी को तानाशाह राजा की संज्ञा देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वन नेशन वन लीडर जैसी एक खतरनाक साजिश मोदी रच रहा है। इसके तहत मोदी विपक्ष को जहां एक जेल में डाल रहे हैं तो दूसरी तरफ वह पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं को निपटाने में लगे हुए हैं। भाजपा नेताओं की लंबी फेहरिस्त गिनाते हुए केजरीवाल ने भीड़ से पूछा कि अब भाजपा में किसका नंबर है निमटने के लिए, तो उधर से जवाब मिला योगी। इस पर अरविंद केजरीवाल ने पूरा नाम दिया योगी आदित्यनाथ। दावा किया कि यदि मोदी यह चुनाव जीत जाते हैं तो अगले दो माह में योगी आदित्यनाथ को भी राजनीतिक रूप से निपटा दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि भाजपा नेतृत्व हमेशा सवाल करता है कि इंडिया गठबंधन का पीएम प्रत्याशी कौन है, तो आज मैं उनसे सवाल करता हूं कि भाजपा में पीएम पद का प्रत्याशी कौन है। केजरीवाल ने इस सवाल के पीछे उस नियम की याद दिलाई जिसमें 2014 में पीएम मोदी ने पार्टी में 75 साल के नेताओं को रिटायर कर देने की बात कही है। केजरीवाल ने बताया कि 17 सितंबर 2025 को मोदी 75 साल के हो गए हैं, इसलिए वह अमित शाह को पीएम बनाने की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। चलिए पहले आपको दिखाते हैं क्या कहा सीएम अरविंद केजरीवाल ने। इससे पूर्व वह अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ पहले नॉर्थ प्लेसेस के हनुमान मंदिर पहुंचे और इसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यालय। यहाँ उन्होंने बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। देखिए सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, सीधा जेल से मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। 50 दिन के बाद अभी अभी मैं, मेरी पत्नी भगवंत मान साहब, हम लोग कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में गए थे, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, उनके दर्शन किए, फिर शिव जी के मंदिर गए, शनि जी महाराज के पास गए, उनका सबका आशीर्वाद लिया। दोस्तों, हमारी आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों के अंदर है, अभी 10 साल पुरानी पार्टी है। हमारी पार्टी को कुचलने में, खत्म करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी।
एक साथ हमारी पार्टी के चार टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतेंद्र जैन। बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर चार टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खत्म हो जाती है। आम आदमी पार्टी के चार टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिया, उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है, उतना ये बढ़ती जाती है। ये क्रश करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी को कुचल दो। ये जनतंत्र नहीं है, ये इस देश की जनता पसंद नहीं करती। इन्होंने आम आदमी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटे से लोग हैं हम लोग, छोटी सी पार्टी है। 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और उसके नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करने की कोशिश किया। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको दो स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे। मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने, उसको मुख्यमंत्री ने बनाया, उसके वन नेशन वन लीडर इस देश की जनता ने उसका तख्ता उखाड़ के फेंक दिया, ने उन तानाशाहों का तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के, इस तानाशाही से बचा लो मेरे दोस्त, मेरे देश को, देश को बचाने के लिए मैं पूरे देश में जाऊंगा। दोस्तों, दो महीने में योगी जी को निपटाएंगे। ये किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे, नहीं, मोदी जी अब इसमें से 36 घंटे काम करूंगा, पूरे देश भर में घूमूंगा इस तानाशाही को रोकने के लिए। दोस्तों, जितनी मेरे अंदर ताकत है, मैं मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए। इससे पूर्व शुक्रवार की शाम तिहाड़ जेल से निकले अरविंद केजरीवाल का भविष्य किया गया। उन्हें लेने पंजाब के मुख्यमंत्री का वर्तमान में संजय सिंह गया, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल तिहाड़ जेल के बाहर पहुंचे थे। इस अपडेट में मिला लेते हैं, आप देखते रहिए फर्क।